निज़ाम की जो सबसे बड़ी ताकत जो आप अवाम हैं, और इस वक्त इतने गहमा गहमी में सब खेत खलियान छोड़ करके आप यहाँ सब मौजूद हैं, आए हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ज्यादा कुछ नहीं, सवाल है कि सब लोगों के जहन में बहुत सारे अभी भी आए तो क्यों तृणमूल में जाए, क्यों जाए, क्यों छोड़े। ऐसा कुछ नहीं है, जब भी कोई सियासी पार्टी कीजिए तो उसमें ईमानदाराना, उसमें मुखलसाना एक जज्बा शामिल हो। सच पूछिए तो 1921 का इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान की सियासत का एक टर्निंग पॉइंट था। अगर ममता बनर्जी की हुकूमत यहाँ नहीं होती तो शायद हिंदुस्तान का आज जो आप नजर आ रहा है, जो माहौल, ये शायद हम लोग बहुत बुरा दिन देखने को पड़ता। और सच पूछिए कि रविंद्रनाथ टैगोर, कहीं बंगाल है तो, उनका एक ख्वाब था, उनका एक नजरिया था, उनकी जिंदगी का एक मकसद था कि बंगाल कैसे हो, हमारा मुल्क कैसे हो। तो उसने एक दुआ मांगी थी जो शायद स्कूल में पढ़ा जाता है, सारे लोग जो लोग भी पढ़े लिखे हैं, वो एक नज्म है उसकी कि वेयर द माइंड इज नॉट फेयर वेयर द हेड इज हेड हाई, छोटी सी नज्म है। वो वही है कि जहां फिक्र इंशा पे हैबत न हो और जहां सर उठाने पे तोहमत न हो, यानी इंसान बंगाल, बिलखुसूस बंगाल, बिलउमूम में हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल हो, एक ऐसी आजादी मिले ब्रिटिश से कि जहाँ इंसान सर उठा करके इज्जत और एहतराम के साथ चल सके, जहाँ इंसान का दीन बिला खौफ व खतर हो, जहाँ जात पात के फसील से ये जमीन बट न जाए। और ये जब सारा काम बीजेपी सरकार कर रही थी तो लोहे की चट्टान की तरह ममता बनर्जी, बामफ्रंट, कांग्रेस, इसमें जो भी सियासी पार्टियां आए उसमें नाकाम रहे उसको। और ये अवाम ये समझ बैठे कि इन जमहूरियत के बका के लिए इस फासिज्म और इस मैंने डिस्ट्रक्टिव फोर्स जो है, जो समाज को आपस में इसके बांटने का, तकसीम करने का काम करते हैं, इनमें वाहिद ममता बनर्जी की क्यादत है। और यही समझ के हम लोग ने आए हैं, आइए हम सब मिलकर एक ऐसे बंगाल की तामीर करें जिसका पैगाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे। और मोहतरमा ममता बनर्जी की जो सोच है माँ माटी मानुष में, उसमें ईमानदाराना, उनमें मुखलसाना तौर पर हम लोग उस पर डटे रहे, काम करें। और साथ साथ आज सबसे ज्यादा मशहूर हैं हम, कुछ लोग वो कंजिया से डॉक्टर मजाहिर साहब, और इसका ये निमाइदा, ये लोग निहायत हिंदू का खमीर सोच सब कुछ से गुड़गम पर है। तो इन लोगों की क्यादत में हमारे पश्चिम टोला कमर साहब से अलाउद्दीन साहब, मंजर साहब, और उसके बाद मोहिद्दीन साहब, और दीगर सब का नाम लेना तो ये नहीं है, ये सब कंजिया से, रानीगंज से वो लोग सब लोग आए हैं, सिरसी वगैरह से। लिहाजा हम आज तो कुछ कहने का है नहीं, आज हम लोग हमारे आए हुए मेहमानों से सुनेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये पार्टी फले फूले, उनमें फूले जिगर से सींचे हम लोग, ताकि एक बेहतरीन एक माहौल, एक बेहतरीन सियासी माहौल हम लोग पैदा कर सके। ये बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद आज के उन्नी हमारे दल योगदान করবেন এবং আমরা শুনলাম আপনার বক্তব্য, খুব ভালো লাগলো আজকে আমাদের। এবার আমি বক্তব্য রাখার জন্য ডেকে নিচ্ছি।
আরেকজন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মহাশয় যিনি আজকে আমাদের দলে যোগদান করবেন, আপনারা সবাই আপনাদের চিরপরিচিত মুখ সিসিআই মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাই সাহেবকে আমি সংক্ষেপে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। আজকের এই অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত যোগদান সভায় সভা আলোকিত করে রয়েছেন সম্মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাদ্রাসা শিক্ষা ও সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তর